हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी आपने देखा कि मैंने आज सहरी करी है चाय पराठा। आज रीज़न है चाय पराठा सहरी करने का, क्योंकि आज दिन जो है वो बहुत ही हेक्टिक है, बहुत ही बड़ा डे है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था, दिल से कनेक्शन विद शोइका, जो आपने टीवी पे या इंस्टा पे जो मैंने पोस्ट किया था, देखा होगा क्यू टीवी पे, उसका आज एक ऑफिशियल प्रोमो शूट है आप कह सकते हैं। तो पूरा 12-14 घंटा है, तो थोड़ा सा हैवी खाना था इसलिए मैंने खाया था। बस अभी हम हो गए हैं रेडी, निकल चुके हैं। हमारी ये ब्लैक खड़ी हुई है, मैडम यहाँ पे हैं। मुझे बोल के यार चलो 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 चलो, लेट हो रहा है अभी, चलो 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 चलो, लेट हो रहा है। और आज हम ड्राइव करेंगे। ओहो, ऐसे ही मन कर रहा है, ये लोग पीछे बैठेंगे। चलो कुछ गिरे ना, एक बार नारियल गिर गया था वो, बस देखिएगा। आई थिंक वहां पे कुछ नहीं है। हां उधर ही लगा था। हां हां, ये गाड़ी का बैग भी लेना है, कॉलेज के आगे सही रहेगा। वो वाला बैग भी लेना है ना। हां वो भी लेना है। हेलो, कोई मां, आप कैसे हो? चलिए दीपिका जी, आप चलिए शोएब जी। अभी हम रेडी होते हैं, टाइम 10 मिनट लेट हुए, ज्यादा नहीं, बट अभी रेडी होते हैं। दीपिका ने बोला है, दूसरी बार या पहली बार बोला है कि इस नहीं, बार बाल दूसरी बार एक बार शॉर्ट किए थे ना। कि बाल अच्छे कट हुए हैं। आपने फ्री छोड़ दिया होगा तो शॉर्ट, भाई तुम अपने हिसाब से करो, पता नहीं कुछ बोला ही नहीं, कर ले भाई, अच्छे लगते हैं। अच्छा तुषार, हमेशा मैं तुझे बोलता हूँ लेयर्स में काटना, बोल। हाँ बोलते हैं, बट हमेशा हम बाल शॉर्ट करते ना। हाँ। तो अभी क्या ये लॉन्ग रखा है तो लेयर्स वो लेयर्स अच्छे लगते हैं। देखो भाई, अपन सबसे पहले रेडी रहते हैं, अपन जल्दी रहते हैं। मैडम देखते हैं क्या कर रही हो। हाँ जी, हम तो हो गए हैं रेडी, तो ओके ठीक है। तो आपने पहले किया था, ओके ठीक है, चालू ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा भी ठीक है। कभी कभी तो हक से ज्यादा टाइम लो। क्या मैं कुछ मोटी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी सी सही है ना, ये कहीं डालोगे नहीं। तो अभी हो गया है हमारा पहला शॉट रेडी, बज रहा है 10:30। चलो पूरा दिन बचा है अभी, चलते हैं। तुम रेडी? हाँ। चलो आप बंद करके ऑरेंज लेके आ रहे हो, एक दूसरे चीजें नहीं करना, उधर नहीं जाएगा, उधर आना है, सामने सामने दिखाया, और उस एंटीसिपेशन के आपको चीज और होने वाला है पूरा पीछे। शूट पे है कि नहीं है? हल्का पंखा वापस यहाँ भी सब करवा।
आगे तुझे प्रेम करके मैं बोलते अभी और भी है बाकी। तो अभी हो गया है हमारा फर्स्ट शॉट और अभी हम सब चले बेसिकली अभी हम चले चेंज करने के लिए। अभी सेकेंड चेंज है, गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन मज़ा आ रहा है। एक्सरसाइज करने के लिए छोटा पसीना छोड़ दिया। और यहाँ पे मैं किसी तरह से शाहीन दीदी की फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहा था उस फिल्टर में, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपना मुंह छुपा के रखा हुआ था, मेरे सामने नहीं देख रही थी। फिर मैंने कोई और सी ट्रिक अपनाई जिसके बाद मैं सक्सेसफुल रहा। कितना टाइम हुआ, आधा घंटा ब्रेक नहीं ब्रेक खाना खा रहे थे, सो गए थे, एक नैप ले लिया। टाइम क्या है? 3:13। कैसे बलून खोले हमने? बोला था कि मैं करके रहूंगा। शाहिन दीदी कितनी खुखार लग रही है देखो आप। मैंने कहा था कि मैं लेके रहूंगा सबके साथ, फ्रैंक किया मेरे ब्लॉग के फोटो में ही डाल दूंगा, सबकी फोटो लाइन से पड़ी हुई है ऐसी। सुबह बड़े प्यार से आके बोल रहे थे मैं सबकी फोटो खींच रहा हूँ, तभी लगा कि ये इतनी शराफत से सबकी फोटो तो नहीं खींचेंगे, कुछ तो है। किधर ने चीट किया? तूने आवाज दी मुझे नीचे। 63 फोटोज कवर पे। हाँ। शाहिन दीदी, धर्मदादा और पीछे एक। इसकी फोटो बहुत एपिक आई है। मैंने केतन की नहीं देखी। केतन की नहीं है भी सही से। केतन की चीट की नहीं। केतन की खड़े रहो। मैं तुझे आवाज सुनूंगी देखना, रुक जा। आई थिंक होपफुली हमारा लास्ट चेंज है इस प्रोमो शूट का, उसके बाद फोटो शूट है तो कैजुअल सा है सब। आ जा थक गए, हो गया है शूट ऑलमोस्ट कंप्लीट, अभी सीन्स जो थे वो सारे खत्म हो गए हैं, अभी क्रोमो शूट बचा है एंड देन उसके बाद फोटो शूट बचा है। तो आई थिंक इफ्तारी जो है यही हो जाएगी, अभी 5:37 तो हो ही गया तो इफ्तारी हो जाएगी, लेकिन मेन यूनिट का जो है वो ऑलमोस्ट शायद पैकअप हो गया या हो जाएगा, अभी बस हो जाएगा, कुछ ही लोग बचेंगे। हाथी निकल गया, पूछ बाकी, और वो पूछ ही हमेशा सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। मुझे बोलती एग्जांपल कैसे देते हो? अब संगत का कुछ तो असर होगा ना, पर ये सेइंग है हाथी निकल गया पूछ बाकी। अभी ऐसे थकी हुई हालत क्या ही निकलेगा एग्जांपल। तो तुषार मुझे एक चीज बताओ यार, ये बहुत से लोग जानना चाहते हैं, बहुत से लोग को छोड़ो मैं जानना चाहता हूँ, ये हर बार जो कलर बदलते हैं तुम्हारे बालों के, इनका राज मतलब वजह क्या है? कभी पिंक, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी ब्राउन।
सलून पे क्लाइंट नहीं रहते तो कुछ तो करना है। मतलब सच में आप इसके इंस्टाग्राम पे जाना और इसके पुरानी फोटोज देखना, लिटरली मतलब ऐसा ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, ब्राउन, अभी और बियर्ड हमेशा ब्लैक रहती है, क्यों और क्लोज चले जाते। अरे ये देखो। एक पीछे। सालों के बाद हम ऐसे इफ्तारी सेट पे कर रहे हैं, जो सिमर के सेट पे हम लोग किया करते थे, सिमर नहीं जिस सेट पे भी हम जाते थे करते थे, बट ऐसा आई थिंक 10 सालों के बाद हो रहा है जब ये टीम है साथ में, शाइन दीदी, धर्म, ये केतन साथ है, तो बस आज यहाँ पे भी इफ्तार टाइम हो रहा है, 10 मिनट बचे हैं साथ में इफ्तार करेंगे। ये देखो आज ये क्या भर के शरबत जो है आज बनाया, आज 10 रमजान हो गए, 9 तक मैंने शरबत को हाथ नहीं लगाया, आज पी लूँगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट है वो मैंने थोड़ा सा डिले करवा दिया है, अपने दोस्त के आया तो मैंने बोल के वाइट वाइट दिया, तो आज पी लूँगा। हो गया है शूट कंप्लीट, हो गया है इफ्तार, हो गया है फोटो शूट, अभी है नहीं बस पी रहा हूँ मैं चाय, अभी है चाय, अभी चलेंगे घर। हाँ नहीं ये ले लो, बहुत ज्यादा है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जल्दी मिलते हैं। सामान हो गया सब टाइम, चलो चलो बाय, मैं तो आ रहा हूँ ना अभी, और प्लीज मेरी फोटो अपलोड मत करना। अरे अब तो पूरा व्लॉग में जाएगी आपकी फोटो, वो फोटो तो कवर पे आएगी, गुंडा खड़ी है मेरे बहुत बची, बहुत बचने की कोशिश की, पर जब इन लोगों ने साथ में प्राइस किया तो नहीं बचा। अभी ये व्लॉग ऑब्वियसली बात है अभी नहीं डाल पाऊंगा, जब अभी एडिट नहीं हुआ है, तो अभी घर जाऊंगा अभी सभा पे करूंगा, और फिर सभा पे फोटो उसने याद है ताज में डाली थी मेरी, अभी सभा को पहले आपने भी तो वो वाला किया था स्टोरी, उसके बदले में उसने ताज में डाली, अभी मैं ये बोले चल के नहीं हुआ बोले तो सब तुम, मैं नहीं आता और पता नहीं ऐसा अभी कभी कभी सोच के ऐसा लगता है कि यार पहले हम कैसे शूट कर लिया करते थे, यू नो पूरे रोजे रख के और फिर शूट करके, बट आई थिंक अभी भी हो जाएगा, एक बॉडी क्लॉक वैसे बैठ जाती है, यूज्ड टू आप हो जाते हो किसी भी रूटीन के, कल जो हालत खराब हुई है ना, कल जो थके हैं ना हम लोग, अभी भी आप देख सकते हो चेहरे पे, एक्चुअली एक रात पूरा सोए नहीं, मेन वो था, अभी सहरी तक जागते हैं वैसे भी, फिर सहरी करके फजर पढ़ के देन सोते हैं, और उस दिन हमें सुबह 7:30 बजे निकलना था यहाँ से, तो हम बिल्कुल नहीं सो पाए, वो फिर दिन भर का शूट, तो आई थिंक थकान बहुत ज्यादा हो गई थी, तो कल वहां से मैंने फिर उसको शूट नहीं किया, आते ही मैं ऐसे, हालांकि मैं जागा था लेकिन कुछ हिम्मत नहीं थी, हम ऐसे पड़े हुए थे बिल्कुल। हाँ। अच्छा ये तो फिर भी पूरा जागे थे सहरी तक, मैं तो आते ही 10:30 बजे ही सो गई ना, तुम 10:30 बजे सो गई, 10:30 बजे सो गई, फिर मुझे ऐसे कुछ धुंधला सा याद है कि आप 3 बजे आके बोले थे उठोगी, एकदम आई थिंक आपके मन में था कि उठी तो ठीक है वरना सोने देता हूँ। हाँ वरना मैं यहाँ से एप्पल खा लेता हूँ, मैं सहरी कर लेता और हो जाती मेरी सहरी। तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि कल तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, मैं आ नहीं पाया, तो आज इफ्तारी के वक्त सबक की वाली फोटो क्लिक करूंगा, उसको कुछ बोलूंगा नहीं, चुपचाप से बस क्लिक कर लूंगा,
और फिर ब्लॉग के एंड में दिखा दूंगा, क्योंकि ऐसे तो वो करने से रही, ना तुम आधी हो ना तुम पूरी हो, ऐसे तो वो करने से रही। और उसने जो मुझे ताज होटल में जो उसने मेरा वो मोटा सा मुंह बनाया था ना फिल्टर लगा के, आज मैं उसको ये वाला बदला पूरा करने की कोशिश करूंगा। आई होप हो जाए। होगा या नहीं होगा, क्या बोलते हो? होगा। कुछ नहीं क्या? कुछ नहीं, कुछ अजीब ही है ना फिल्टर। कुछ नहीं, ब्लॉग के एंड में देख लेना तुम। कौन सा है? तुम देख लेना ब्लॉग के एंड में देख लेना। इन सब को मैंने कल किया है, अपने भी डालूंगा, ऐसी बात नहीं है, एंड में अपने भी डालूंगा। रिहान को मैंने दिखा दिया है। रिहान कैसा है? बहुत फनी और डरावना दोनों। कब देखेंगे बोलना? दो घंटे बाद देख लेना, बताना मत तुम। हाँ मैं नहीं बताऊंगा। हाँ ब्लॉग में देखना ना सीधे। हाँ कब भी नहीं बता सकता ही। पर है मजेदार, क्यों? बहुत है ना। तो हो गई इफ्तारी और हमने सवा का भी ले लिया है फोटो उसी फिल्टर में। मैंने कहा था कि मैं उसे करूंगा तो हमने कर दिया है, और अभी तक इसको हमने दिखाया नहीं है। अभी तक हमने इसको दिखाया नहीं है और ना ही हम दिखाएंगे। हमने इससे बोला है कि जब व्लॉग अभी लाइव हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ देर में, तो उसके बाद आराम से सुकून से बैठ कर देख लेना, इतनी जल्दबाजी क्या है। ठीक है देखते हैं। तो चलो गाइस इसी नोट पे मैं ये व्लॉग आज एंड करता हूँ। आज 10 रोजे कंप्लीट हो गए और ये आज भी 2 दिन का व्लॉग छोटा छोटा ऐसे ही। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है वो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, हंसी मजाक कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपका मन करता है तो, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, तब भी खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।